हेलो भाई, दिस इज प्रशांत, यू आर वॉचिंग रोड एंड व्हील्स। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम निकलेंगे बाहर, लेकिन मेरे निकलने से पहले जब तक मैं तैयार होता हूँ तब तक आप लोग कल जो मेरे साथ हुआ वो देख लिया हो। तो अभी सीन क्या है कि गाड़ी मेरी स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि इसका बैटरी हो गया है पूरा लो। अब जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो खड़ा है, दो तीन बार कोशिश भी किया इधर, लास्ट कोशिश अब इन्वर्टर की बैटरी से मैं करूंगा जंप स्टार्ट। देखते हैं कोशिश कामयाब होता है या नहीं। तार तो ऐड कर दिया है, देखते हैं स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सब कुछ करके देख लिया, गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रहा। अब देखते हैं कुछ कोई ना कोई तो उपाय करना ही पड़ेगा। तो मैं लेके आया हूँ एक सेम APBTZ9R बैटरी। अभी इसको लगाते हैं गाड़ी में और सबसे पहले करते हैं बैटरी की अनबॉक्सिंग। थोड़ा सा इसको लगाना टफ हो जाता है। नया बैटरी तो लगा दिया, अब स्टार्ट करके देखते हैं। घर से निकल के थोड़ा दूर चल के फिर से अभी हम झील पहुंच गए। झील में मसाला वाला चाय का आनंद लिया जा रहा है। सो एक चीज और, हम लोग हर एक जगह कंप्लेन करते हैं कि कचड़ा मत फेंको, इसलिए हम लोग जब ऐसी जगह पे जाके कुछ ऐसे कप में चाय पीते हैं तो उसके बाद हम लोग कुछ ऐसा डाल के बाद में डस्टबिन ढूंढ के डाल देते हैं। सो जो भी आप लोग देख रहे हो, प्लीज़ आप लोग भी ऐसा ही किया कर। सो अभी कॉफ़ी पीते पीते मुझे एक और यूट्यूबर मिल गई, साथ में मिस आफिजा। आप इनका चैनल आप देख सकते हो, जाके मैं मेंशन करूँगा। और जब दो तीन यूट्यूबर मिल जाते तो अच्छा लगता है ऐसे मिलने में, क्योंकि पता चलता है छोटे छोटे शहरों से भी बड़े बड़े यूट्यूबर निकल रहे हैं। थैंक यू। चलो ठीक है, बाय। इधर हमारे गुड्डू भाई आज पूरे एंटीसेप्टर को लगता है बहुत स्पीड में चलाए हैं क्योंकि आंख से आंसू निकल रहा है इसका। कैसे हैं गुड्डू भैया? अब वो तो बिल्कुल बात ही अलग है इस गाड़ी का। चलिए ठीक है। अच्छा, ओहो वीडियो बना सब कुछ आप बता कैमरा न्यू चैनल नहीं, यूट्यूब पे रोड एंड व्हील्स का है। हाँ, रोड एंड व्हील्स। हाँ, भी थोड़ा घूमने निकले। और फिर से हम जाम में फंसे हुए हैं। और देख लो जाम होने का वजह, कोई पीछा हटना ही नहीं चाहता जिसकी वजह से लगती है यहाँ पे जाम। और यहाँ पे जाम लगने का वजह, हजारीबाग में जहाँ भी जाम लगता है
बस समझो एक या दो कोई इडियट आदमी होते हैं बीच में गाड़ी घुसा देंगे रॉन्ग साइड से, और जिसकी वजह से यहाँ पे जाम लग जाता है। और किन्हीं को पीछे हटना नहीं है भाई साहब, मतलब कि अगर घुसा दिए तो बस घुसा दिए। भैया जी ने हमें आज डैम दिखाने लेके आए कि बोले कि 10 किलोमीटर के नज़दीक में डैम है। हम लोग आज उसी डैम के पास जा रहे हैं और इधर एक मंदिर भी है। और हमारे राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है यही है अपना छड़वा डैम हज़ारीबाग का। और देखते हैं आगे कहां तक जाना है, मतलब बड़ा डैम नहीं है, छोटा सा डैम है, लेकिन हज़ारीबाग के वाटर सप्लाई को बहुत बढ़िया रखा हुआ है। और जो ये रोड है, इस रोड में आने के बाद मुझे याद आ गया गुनूपुर में एक नदी हुआ करती थी और उस नदी के किनारे किनारे भी कुछ ऐसा ही बना था। और जो भी मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। ओहो भाई साहब, घूमते टहलते आप लोगों को दिखलाने हम लेके आए हैं हज़ारीबाग में छड़वा डैम। और सामने से ज़बरदस्त सा धूप आ रहा है जिसकी वजह से कैप और सनग्लासेस पहनना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि डायरेक्टली सन पड़ रहा है। और देखो भाई साहब क्या गजब सा व्यू, पीछे पूरा ब्लू स्काई, इधर पानी और पूरा शांत सा माहौल। और मेरे सामने जस्ट का व्यू लेते हुए हम लोग समोसा एंजॉय कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है सौरभ भैया? सौरभ भैया इसे हमको लेके आए यहाँ पर, इधर कॉफल भैया बैठे हुए हैं। और दोस्तों मेरे पीछे कोई पर्दा नहीं है ब्लू कलर का, यह आसमान था। और अभी मुझे एक चीज़ और पता चला यहाँ पे कि जो एक सॉन्ग था स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे, उसका भी शूटिंग यहाँ पे ही हुआ है। और ऐसा हमको कौशल भैया बताएं, मतलब अगर गलत होगा तो ये गलत है नहीं। और दूसरा चीज़ कि देखो पूरा गाड़ी चमकाते, अभी एक और भाई आया हुआ है हिमालयन से यहाँ पे, दोनों ही भाई हैं इधर सुमित एक नंबर और इधर ऋषभ। ओह पूरा नया नया हिमालयन, हिमालयन मीट हिमालयन। नई गाड़ी हो और टेस्ट ना करे तो क्या करे। तो अभी खतरनाक ऑफ रोडिंग में टेस्ट चल रहा था, कुछ ऐसा ऑफ रोडिंग में भी हमने इसका गाड़ी टेस्ट किया है। और वैसे तो हिमालयन ही है दोनों का BS4, लेकिन मज़ा आ जाता है ये सब गाड़ी चला के। फिर आपको और भी दिखलाते हैं, इधर हो रहा है सनसेट अभी आपको, जिसका टाइम लैप्स भी देखने को मिल जाएगा थोड़ी देर में। तो पीछे का सनसेट कैसा लगा ये जरूर बताना टाइम लैप्स के थ्रू जो मैंने आपको दिखलाया है। तो अभी काफी देर तक हम बैठे हुए थे और इस इंतज़ार में बैठे हुए थे, पहले तो सनसेट दिखलाना ही था आप लोगों को, दूसरा यहाँ आने का आज का जो मेन मोटो था, जो इस जगह को चुना गया था, वो था क्योंकि यहाँ पे एक बर्ड होता है जो कि आता है साइबेरिया से। ए बर्ड का नाम किसी को कुछ मालूम है क्या? सारस ना, तो जो सारस जैसा कि अभी ये बता रहे हैं, इसमें भी हम नहीं बता रहे, गलत होगा तो इनका गलत होगा है ना। तो जो सारस, हाँ जो सारस बर्ड है वो साइबेरियन बर्ड है एक्चुअली, वो आता है हज़ारीबाग में इस वाले लोकेशन पे है अभी, लेकिन इसके उस साइड में है। और देखते हैं अगर उधर जा पाएंगे तो आपको वो भी दिखला देंगे, और अगर नहीं जाने का रास्ता है तो भाई क्या कर सकते हैं। अभी हम उस छोर से इस छोर पे आए, लेकिन अभी भी थोड़ा काफ़ी दूर है उधर, और उस कोना में हमें दिख रहा है और ऐसा कुछ है इस वजह से हम लोग आए। चलिए बता दो, जो ये बर्ड है ये, इसको देखने के लिए हम लोगों को इतना दूर नहीं आना पड़ता। ये आज से 5-6 साल पहले हज़ारीबाग झील में भी भरा रहता था, लेकिन ड्यू टू पॉल्यूशन और ये कुछ
बहुत, और पहले तो बहुत ज्यादा मात्रा में आता था और अब जो है तो बहुत कम पाया जाता है यहाँ पे। और मेरे राइट हैंड साइड में अगर आप इस मंदिर को देखें तो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये, हर एक तरफ बल्ब लगाया हुआ है और उसके वजह से ये मंदिर बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और एक मैं मंदिर का रुक के फ़ोटो ले लेता हूँ क्योंकि दिख बड़ा खूबसूरत रहा ये। और सब कुछ बड़ा मज़ेदार रहा आज का ये दिन, पहुँच चुके घर। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और ख़ास करके वो सीनिक ब्यूटी देखने में, मतलब अल्टीमेट था भाई। और हज़ारीबाग से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और मैं आज फर्स्ट टाइम गया था। एक्चुअली उधर से पार भी हुआ था लेकिन आज मैं पहली बार वहाँ पर गया था। तो बड़ा मज़ेदार लोकेशन था, मज़ा भी आया वहाँ पर जाके। और आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। और अपने दोस्तों के बीच बताओ कि हज़ारीबाग में इतनी खूबसूरत सी जगह इतने नज़दीक है, तो इस वीडियो को शेयर भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक फन वेरी सीरियसली। बूम। Oh, oh, oh.